नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सांवरिया आरपीएससी धरने से आपको राजेश जी बदाला जयपुर वाले कुछ संदेश देना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी साथी उसको ज़रूर सुनें। राम राम भाइयों, जो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो भाई नहीं आए हैं उनके लिए अंतिम सूचना और चेतावनी दोनों ही है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिनका रिजल्ट आ गया है और जिनका आना बाकी है, सारे भाई एक बार वापस आ जाओ, एक साथ जुड़ जाओ, ताकि अपने जो भी 2-5 परिणाम रहे हैं वो आ जाए, निकल जाए, सबकी जॉइनिंग साथ में हो जाए। अगर एक नहीं हुए तो फौजी भाई बराबर में ही बैठे हैं और उनका बढ़िया मजबूत संगठन है। अगर एक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर उसमें इनका रिजल्ट साथ में नहीं देते हैं तो हो सकता है 2-4 दिन में इसमें स्टे आ जाए बढ़ती है। फिर कन्फर्म स्टे आएगा, जिसका रिजल्ट आ गया उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं होगी और जिनका नहीं आया उनकी तो वैसे ही नहीं होनी है। इसलिए हम सब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, साथ में जुड़ो, ताकि अपना 1-2 दिन में सबका परिणाम आ जाए और नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाए, अपनी नियुक्ति मिले और जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि प्रेशर बिना यहाँ रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के तहे दिल से और मन से नियुक्ति कर रहा हूँ कि आप आ जाओ, मेरी विनती स्वीकार करो। इन सब भाइयों को देखो, ये 9 दिन से पड़े यार, शर्म करो, मर जाना चाहिए आप जैसों को। आरपीएससी तो चाहती है ये कैसे भगवान हो, आ जाओ ताकि अटके। आपने वीडियो में लोगों की संख्या भी देख ली होगी कि अपनी 9000 सीटें हैं और उनमें से सिर्फ आपके 15 भाई, आप पूरी वीडियो में इन लोगों को काउंट कर सकते हैं कि 15 भाई हैं जो बेचारे। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि जब से लगभग धरना चालू हुआ है, उस या तो उस दिन से या उसके 1 दिन बाद से या 2 दिन बाद से, ये बेचारे यहाँ बैठे हैं। जैसा काम आपके हैं वैसा काम इनके भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में शायद आपको रिजल्ट से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर अजमेर यहाँ धरने में पधारें।